फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का सीन कुछ ऐसा है, हम वापस घर जा रहे हैं और फाइनली मैं पूरे एक महीने के बाद अपने ससुराल जा रही हूँ। और ये एक महीना ना मुझे ऐसा लगा पता नहीं कितने साल बीत गए हों। सच में मैं सच बोल रही हूँ, बिकॉज मैं सच में अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा अकेले रहने की आदत नहीं है और यहाँ मुझे अकेले रहना पड़ रहा है। या आई नो अब आप सबके माइंड में आ रहा होगा अकेले रहना पड़ रहा है, सो लेट मी क्लियर। मेरे हस्बैंड, एज आई ऑलरेडी सेड यू कि मेरे हस्बैंड जो हैं बरेली से आगे एक विलेज पड़ता है, वो वहाँ पर जॉब करते हैं। तो वो पहले यहाँ अकेले रह रहे थे बट अब वो मुझे ले आए थे यहाँ पर, तो अब हम साथ में रह रहे थे। मुझे बस एक महीना ही हुआ है, अब उनका जो बैंक है तो अब 2-3 दिन का ऑफ रहेगा, तो इस वजह से हम लोग वापस घर जा रहे हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए, कसम से सबसे मिलने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हमने पैकिंग तो कल रात को ही कर ली थी और अब यू कैन सी मैं रेडी हो चुकी हूँ और वो गए हुए हैं बैंक। वो आएंगे 4 या 5 बजे, देन उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए। ऐसे समझे क्या, प्लेन समझ रहे हो क्या, बाय बस जाएंगे यार। तो यहाँ का क्या सीन है ना, सबसे पहले हमें यहाँ से बरेली जाना पड़ेगा भाई साहब, और बरेली का रास्ता बिना गाइस यहाँ से 1.5-2 घंटे का है, बाय गॉड। ठीक है, तो यहाँ से बरेली जाएंगे, देन उसके बाद फिर वहाँ से बरेली टू दिल्ली की बस पकड़ेंगे, उसके बाद फिर हम अपने घर पहुँच जाएंगे। ओके, तो आप सब बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। अब मैं आ चुकी हूँ छत पे और वेदर कुछ ऐसा हो रहा है, ठंड हो रही है, दिखाती हूँ आप सबको। मैं नीचे बैठी हुई थी तो इतने में जो साइड में जो आंटी रहती हैं तो उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, तो हम अक्सर साथ में बैठा करते हैं धूप में। तो उन्होंने बोला कि आज जा रहे हो तो भाई मिलके जाना, तो मैं बस छत पे आ गई। अब उन आंटी को कल जाना है शादी में, तो अब वो सोच रहे थे मेहंदी लगवाने की, तो मैंने कहा हाँ मैं मेहंदी लगा देती हूँ, मेरे को आती है। तो अब आंटी गई है नीचे मेहंदी की कीप लेने, उसके बाद फिर उनके मेहंदी लगाते हैं और आपको उन आंटी से मिलवाते हैं। अब यहाँ से टाप के मैं आ गई इनकी छत पे। तो ये रही वो आंटी, अब आंटी के लगाना शुरू करते हैं हम मेहंदी। तो ना गाइस कैसा है, जब से तो मैं इनको आंटी बोलती थी, ठीक है, जब से इन्होंने, इनके से माइंड में आया कि भाई मेरे को दीदी बोलना चाहिए, आज ये बोले कि भाई दीदी बोलो तो हम इनको अब दीदी बोलते हैं। ठीक है, मैंने ब्लॉग में जो भी आंटी वर्ड का यूज़ करा उसको दीदी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मेहंदी कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी। कल जाना है आपको शादी में? अरे हम तो अब दिल्ली जा रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे? और दिल्ली से जाने याद मत करोगे क्या? मैं कॉल कॉल कर लोगे तो अपनी यहाँ की बात अलग है, अपना धूप में बैठना बातें करना वो अलग है। तो छत पे नहीं आया करेंगे? हाँ, अब ये है छत पे मैं नहीं दिखूंगी, आप अकेले यहीं बैठ के चले जाओगे। मैं भी नहीं आया करूंगी। अभी आप भी नहीं आओगे? ऊपर दे दो। नहीं गाई, सच में हम लोगों ने ना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है साथ में। इस एक महीने में ही हम लोग साथ में रहते थे, जब धूप आती थी तो हम लोग यहीं पर ही बैठते थे, अपनी गॉसिप करते थे, यहाँ वहाँ की बातें ऐसे पूरा टाइम कर जाता था मेरा तो। लो एक और कीप आ चुकी है। पुराने जमाने वाले पोज पुराने जमाने में पोज नहीं देते थे? कैसे दुल्हन नहीं देती ऐसे 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 दोनों ऐसे दिखाओ सही है, डच गई डच गए आप। बारिश जब तो बारिश रुक गई गाइस, अब बारिश दोबारा से आ गई और अब मैं आ चुकी हूँ नीचे। तो अब फटाफट जल्दी जल्दी काम निपटा देते हैं सारा, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं बैंक से, अब हम वेट कर रहे हैं ऑटो वाले भैया का कि वो कब आएंगे और फिर कब हम निकलेंगे।
और मैंने रात के खाने के लिए खाना भी पैक कर लिया है। अब वो भैया आए तो हम निकले, टाइम तो ज़्यादा हो गया, 6 बज गया, वहाँ पहुँचते पहुँचते और टाइम हो जाएगा, पर खैर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अब टाइम लग रहा है तो लग रहा है। आ चुका है हमारा ऑटो, हम जा रहे हैं ऑटो। मेरे दोस्त आपको कुछ खाना है? दोस्त कुछ खाना है? नहीं खाना, नहीं खाना। बस जाने वाली है, चलो चलो फटाफट चल तो रहे हैं। और भाई काफी ठंड हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार। अब हम देखते हैं यहाँ से या तो कैब करेंगे या फिर कोई ऑटो वाला मिल जाता है तो फिर ऑटो कर लेंगे। बाय गॉड ठंड हो रही है गाइस। बहुत ठंडी हो रही है। हम अपने घर की गली में पहुंच चुके हैं। फाइनली पूरे एक महीने के बाद अपने घर की गलियां। बहुत मिस किया मैंने, बट अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर में। तो हम घर पहुंच चुके हैं और बदला बदला सा लग रहा है घर अभी तो, बहुत एक महीने के बाद आई हूँ तो वापस। तो गाइस अगर आप सबको व्लॉग सॉरी क्या बोलती मैं तो गाइस अगर आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मैं यहीं अपना व्लॉग को एंड करती हूँ। बाय। Yeah.